हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब टिप टॉप है? तो चलो, मैथ का टाइम हो गया और हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोग काफ़ी मज़ा करके पढ़ रहे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आगे के क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल हैं। एक बार देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नोट करते हुए चलना है सारा क्वेश्चन को, और जहां पे भी मैं प्रैक्टिस करने बोलूंगा, खुद से बनाने बोलूंगा, वहां पे खुद से ट्राई भी करना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे क्या बोलता है, बोलता है विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि डिसजॉइंट सेट नीचे में से कौन कौन है ये बताओ। तो पहले ये बात करो कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है। ठीक है, तो डिसजॉइंट किसको कहते हैं, कोई नया चीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होगा, इसका डेफिनेशन देखो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसज्वाइंट। ठीक है, मान लो मेरे पास में दो सेट है, कैसा कैसा, ए और बी। इन दोनों को डिसज्वाइंट कब बोलेंगे, वेन जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, और ये अगर फाई आ जाता है, मतलब इम्प्टी सेट आ जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने आप जानते हैं, अगर इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाता है यानी एम्प्टी सेट आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी को डिसज्वाइंट बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऊपर में दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने सीख गए हैं। दो सेट का इंटरसेक्शन आप निकालो और कुछ भी ना निकले। ठीक है, दो सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एम्प्टी सेट हो जाए, तो वो क्या होता है, वो डिसज्वाइंट सेट होता है। तो काफी सिंपल सा चीज है। ठीक है, जो आसान है सो आसान है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन में आपको एक सेट ये दिया हुआ है और एक सेट ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो कि लेट ए इज इक्वल टू, एक को मैं ए मान लेता हूँ, 1 2 3 4, इस सेट को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, एंड और एक सेट बी मान लेता हूं मैं, इस दूसरे को क्या बोलता है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है, तो 4 और 6 के बीच में है। ठीक है, और 4 को भी लेना है और 6 को भी लेना है, तो जो दिया हुआ है ना उसको आपको काफी ध्यान से देखना है, क्योंकि आप रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ चुके हो। तो एक आपको दे रखा था रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4, तो ये तो हम लोगों को क्लियर नजर आ गया एक सेट। ठीक है, दूसरा सेट आपको दे रखा है सेट बिल्डर में कि ये सेट ऑफ एक्स है सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, और कैसा नेचुरल नंबर है, तो आपको 4 और 6 के बीच में लेना है इंक्लूडिंग 4 एंड 6। ठीक है, तो अब बताओ यहां पे बी क्या हो जाएगा, तो यहां पे बी हो जाएगा, बी को अगर मैं रोस्टर में लिखूं तो कैसा हो जाएगा जी, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, बट आपको 4 से लेना है, तो क्या हो जाएगा, 4 5 और 6। ठीक है, यही तीन एलिमेंट आएंगे 4 और 6 के बीच में। अब बताओ देयरफॉर अगर मैं निकालूं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं, तो एक तो आपका ए क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन निकालोगे किससे, 4 5 6 से, तो दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो 4 है ये दोनों में ही है, दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बाहर कॉमन एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया, वो 4 आ गया। ठीक है, तो 4 आने का मतलब है कि ये सिंगलटन सेट है, एम्प्टी तो नहीं है ना, खाली तो नहीं है ये, तो चूंकि ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी क्या हो गया आपका, डिसज्वाइंट नहीं है, ए एंड बी इज नॉट डिसज्वाइंट सेट। ठीक है, अगर ये एम्प्टी आता तो ये डिसज्वाइंट हो जाता। अब देखो आपको सारी बातें सीखनी चाहिए, अब जब आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि यहां पर ये दिया हुआ था। ठीक है, आप जरा सोचना, थिंक, आप सोचो, सोचने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको यहां पे ये नहीं दे करके ये दे देता, ऐसा ये दे देता, ठीक है, अगर ये दे देता तो फिर मेरा बी क्या होता, तो अब तो हम 4 को नहीं ले सकते क्योंकि 4 पे इक्वल टू नहीं है, तो हम 5 और 6 लेते। ठीक है, तो वैसे केस में ये 1 2 3 4 होता और ये 5 6 होता, तो फिर 4 दोनों में कॉमन नहीं होता और उस केस में क्या हो जाता, ये डिसज्वाइंट सेट हो जाता। तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क होने से क्वेश्चन में बदल जाता है, यही इस सेट का खूबसूरती है। ठीक है, कितना अच्छा, देखो कितना खूबसूरत चैप्टर है, थोड़ा सा चेंज किए आंसर चेंज, तो इसको जितना ध्यान से देखोगे ना उतना आपका लाइफ में मजा आएगा और मैथ में भी मजा आएगा। ठीक है,
तो काफी सिंपल था, ये बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। टू नंबर में क्या बोल रहा है हम लोगों को, टू नंबर अब आप खुद से बना सकते हो, टू नंबर भी थ्री नंबर भी। आप वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर बात करना, ठीक है। तो दो नंबर में एक सेट आप ये मान लेना ए ई आई ओ यू, और एक सेट आप बी मान लेना ये वाला सी डी ई एफ, ठीक है। फिर दोनों में ढूंढो क्या कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो आपको कॉमन नजर आ गया होगा। कौन सा कॉमन एलिमेंट है, ये ई, ई दोनों में दिख रहा है। अब दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो डिसजॉइंट तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही लॉलीपॉप है, इसको ए और बी मान करके ऐसे ही बना लेना, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है। हाँ, अब इतना आसान आसान क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, मैं ये उम्मीद आपसे कर रहा हूं, ठीक है। चलो डू योर सेल्फ, इसको आप खुद से कीजिए। चलो नंबर थ्री पे बात करो। नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री है यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, और बी दे रखा है एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है जी। अब ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखना थोड़ा अपने आप को बेइज्जत करना होगा, इसलिए कि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हो। अब आप ये बताओ कि जो इवन इंटीजर होता है, इवन इंटीजर वो क्या होता है, वो होता है दो चार छः आठ, और ऑड इंटीजर क्या होता है, ये होता है वन थ्री फाइव सेवन। तो ये दोनों में 36 का आंकड़ा है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो ऑड भी हो और इवन भी हो, इसलिए ये दोनों सेट क्या हो जाएगा, एकदम मोहब्बत से डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख के बना सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, एकदम एक लाइन में आप लिख सकते हो क्या, क्लियरली, क्लियरली सब क्लियर हो जाए नहीं, ठीक है। तो क्लियरली लिख सकते हैं या नो डाउट क्लियरली, ठीक है। गिवन सेट्स, कौन गिवन सा सेट, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो गिवन सेट्स, सेट्स आर डिसजॉइंट, जो दोनों सेट दिया हुआ है वो क्या है, वो डिसजॉइंट है। क्यों डिसजॉइंट है, बिकाउज, कारण दे देते हैं बिकाउज, ठीक है। देयर इज नो इंटीजर, देयर इज नो इंटीजर, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है विच इज बोथ इवन एंड ऑड, ठीक है, विच इज बोथ इवन एज वेल एज ऑड, ठीक है। तो ऐसा कोई दुनिया में इंटीजर ही नहीं है जो इवन भी होगा ऑड भी होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, अगर आप गिनती लिखोगे भैया तो गिनती कैसा होता है इंटीजर का, तो माइनस में भी होता है। चलो प्लस वाला बात करते हैं, जैसे वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है, ठीक है। मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, सिक्स है सेवन है एट है नाइन है टेन है, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई बोलेगा कि इवन कौन कौन है, तो दो चार छः आठ ये सब इवन है, ठीक है, दस ये सब इवन इंटीजर है, ओके। और हम बोलेंगे ऑड कौन कौन सा है, तो ये आपका एक ये ऑड है, ये थ्री ऑड है, ये फाइव ऑड है, ये सेवन ऑड है, ये नाइन ऑड है, ठीक है, आप फॉलो कर रहे ना। तो इंटीजर या तो ऑड होता है या तो इवन होता है, तो हम लोग इवन को अलग करेंगे तो दो चार छः आठ दस ये सब अलग होगा, और ऑड को अलग करेंगे तो एक तीन पाँच सात नौ ये सब अलग होगा। तो कभी दोनों में कॉमन आएगा, कोई कभी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर होता ही नहीं है दुनिया में जो इवन भी हो और साथ ही साथ ऑड हो, तो इसलिए दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, दोनों में कभी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो भाई आसान लॉलीपॉप चीज है, जो आसान है सो आसान है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है। नाइन नंबर कहता है कि आपको सेट दे रखा है, सेट बड़ा ही अच्छा है, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन, ये सेट दे रखा है, ठीक है, बड़ा सेट। इस तरीके से बी है सी है डी है, आपको ये चार सेट दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे ए माइनस बी पूछ रहा है। अब देखो ये डिफरेंस ऑफ सेट आ गया ना, हम लोग एक पढ़े थे यूनियन, ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग क्या पढ़े थे, एक हम लोग पढ़े थे यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या होता था, मतलब इसको ऐसे डिनोट करते थे, और ये होता था यूनाइट कर देना, यानी सबको मिला देना, ठीक है, बताया था आपको मिला देना, ठीक है, ये था। फिर आपने पढ़ा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा इस टाइप से, ये क्या था, इसमें हम लोग कॉमन निकालते थे कि दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन निकालना, ठीक है, ये इसको बाहर निकालते थे ना, ओके, अच्छा। अब यहां पे आ रहा है एक आपका डिफरेंस, क्या आ रहा है, डिफरेंस, ठीक है, मतलब क्या, मतलब आपको माइनस करना होगा दो सेट के बीच में। जैसे यहां पे आपको दिया हुआ ना ए माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a में आपको वो एलिमेंट माइनस करना है जो b में है, ठीक है, मतलब आपको a का वो एलिमेंट लेना होता है जो b में नहीं है, ठीक है, मतलब a का वो एलिमेंट माइनस हो जाएगा जो b में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
राइट, एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए, तो ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले आएगा ना, जो पहले आएगा उसी को ध्यान देना है, ठीक है, बाद वाला पर कुछ नहीं, बाद वाला का एलिमेंट बस माइनस होता है, तो एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी, जो बी में है उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे क्या, अगर आपसे पूछ दे बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए, ठीक है, एलिमेंट्स कर देते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकता है ना, एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि जो पहला सेट है ना, उस सेट का ही एलिमेंट आपका बाहर निकलेगा। देखो एलिमेंट ऑफ बी, यहां पे ए था तो एलिमेंट ऑफ ए, तो ए में ए का एलिमेंट बाहर निकालेंगे, बी में बी का एलिमेंट, मतलब जिसमें जो पहला सेट होगा उसी का एलिमेंट बाहर निकलेगा, ठीक है। और जो दूसरा सेट होगा तो विच इज नॉट इन बी, तो उसका एलिमेंट को इसमें माइनस कर देंगे, अगर इसमें ए दूसरा सेट है तो इसका एलिमेंट को इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। बहुत लॉलीपॉप है, अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ए माइनस बी, चलिए लिखिए ए क्या है, ए है 3, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है, माइनस। अब बी लिखिए, बी का क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है जी। अब इसका आंसर निकालो, आंसर क्या आएगा, तो आंसर में देखो हम इसी को लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें से हम वो एलिमेंट हटा देंगे जो इधर होगा। तो ध्यान दीजिए कौन कौन एलिमेंट है, तो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16, अच्छा 12 है, सॉरी 12 है, तो 12 को हटा दो, 16 नहीं है, 20 नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हम इसी का एलिमेंट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाँ, जो पहला सेट है सिर्फ उसी का एलिमेंट लिखेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये आंसर हो गया। मतलब क्या, ए का ही सेट लिखा गया, बस वो एलिमेंट हटा दिया गया जो बी में था, तो इसलिए बोला गया कि आपको ए का एलिमेंट लिखना है, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब जैसे बी में 12 था तो 12 को हटा दीजिए। तो भाई आसान सा चीज है, ज्यादा भूखने से फायदा नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप भी बोलेंगे कितना एक के बतवा बार बार बोलते हैं सर, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है समझने में, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा ध्यान से देखते हैं उनको जल्दी समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a माइनस सी, तो a माइनस सी में फिर से पहले a लिखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है, माइनस c को लिखो, फिर c 2 से 2, 4, 6, 8, 10, 16, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है जी। चलिए अब इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर में आपको सिर्फ किसको ध्यान देना है, सिर्फ आपको इसी सेट को ध्यान देना है, क्योंकि ये पहला सेट है, ठीक है। तो अब इसमें से कोई एलिमेंट क्या माइनस होगा, तो 6 देखो, 6 दोनों में है, हट जाएगा, 9 नहीं है, ठीक है, 12 दोनों में है, 12 को हटा देंगे, और कोई एलिमेंट नहीं हटेगा, तो सिंपली आपका क्या बचेगा, 3 ये बच गया, 9 ये बच गया, 15 ये बच गया, 18 ये बच गया, और 21 ये बच गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आसान है भाई, बिल्कुल लॉलीपॉप है, अब तो आप लगता है कूदते उछलते हुए बना लोगे, तो बना लेना, ठीक है, ये सब सब क्वेश्चन को करना बिल्कुल आपको बेइज्जत करना हो जाएगा ना, ठीक है, इतने होनहार बच्चे हैं भाई, सबको बेइज्जत थोड़ी करेंगे सब क्वेश्चन बना करके, बहुत सा क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो चलो कुछ कुछ और बता देते हैं, जैसे एक ये हम कुछ रैंडमली चूज कर लेते हैं, एक ये मैं बना देता हूँ, ठीक है, एक ये बना देता हूँ, एक ये बना देता हूँ, और एक ये बना देता हूँ, ठीक है, बाकी आप बना लेना, ठीक है, बाकी जो बच गया वो बना लेना, ठीक है। तो फोर नंबर क्या है जी, फोर नंबर है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में पहले बी को लिखना पड़ेगा, जो पहले है उसको पहले लिखना है, तो बी का क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, माइनस ए को लिखो, ए है 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो आंसर में बस यही ध्यान देना है कि जो पहला सेट है हमको उसी का एलिमेंट लिखना है। अब इसमें से कोई एलिमेंट हट सकता है, तो 4 और 8 ये तो नहीं हटेगा, 12 हट जाएगा, क्योंकि 12 इसके पास भी है,
और कुछ नहीं हटेगा, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाएगा 4, 8, 16 और 20। जस्ट आपको पहला सेट देख करके लिख देना है, ठीक है। बहुत लॉलीपॉप है, आपको भी लग रहा होगा कि सर इतना मत घोरिए, चलो घोर नहीं रहे, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है उनके लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये डी माइनस ए देख लेते हैं, एक ये डी माइनस ए तो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। क्या है जी, इसके बाद हमारा आ रहा है 6 नंबर, डी माइनस ए, डी माइनस ए। तो पहले डी को लिखो, तो डी है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20, ठीक है, माइनस ए, ठीक है। तो फिर ए क्या है, ए यही है हमारा पूरा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे हम तो इसी सेट को देखेंगे, इसमें से कुछ हट सकता है क्या, तो 5, 10, 15, 20, देखो इधर कुछ भी नहीं, अच्छा 15 एक मिल रहा है, जो मिल रहा है ना उसको बस हटाना है, 15 दोनों में है तो इसको हटा देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5, 10 और 20, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत आपको मजा आ रहा होगा, आसानी से कर लोगे, ठीक है। अच्छा एक सी माइनस बी, इसको एक देख लेते हैं, तो सी माइनस बी को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, जो क्वेश्चन दिख रहा है ना तो करने में इजी होगा, आप वीडियो पॉज करके सारी बातों को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो तो सी माइनस बी जल्दी से कर लेते हैं, सी माइनस बी, सी क्या है जी, सी है 2 से लेकर 16 तक है ये पूरा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये हो गया माइनस। बी क्या है, तो बी है 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। अब आपको फर्स्ट सेट को देखना है, तो फर्स्ट सेट मेरा ये सी है यानी ये पूरा, तो इसी को हम लिखेंगे आंसर में। तो क्या क्या हटेगा, एक देखो 4 मिल रहा है हटेगा, 8 मिल रहा है हट जाएगा, 12 मिल रहा है हट जाएगा, 16 मैच कर रहा है ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, तो पहले सेट में बच गया आपका 2, 6, 10 और 14, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफी आसान है, जो लॉलीपॉप है सो लॉलीपॉप है भाई, इसमें में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप सी माइनस डी चलो खुद से कर लेना, ज्यादा आपको बेइज्जत नहीं करेंगे, ठीक है, आसान सा है तो इसको आप बना लीजिएगा, काफी आसान है, जो आसान है सो आसान है, बस इसको आप रिविजन में रखना कि भैया जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो सिर्फ पहला सेट पे मेरा ध्यान रहता है, वो एलिमेंट को हटा देते हैं जो दूसरे सेट से मैच कर जाए, ठीक है। चलो अब देखो फिर क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्या बोलता है, 10 में फिर से वही बात आ गई भाई, डिफरेंस निकालना है और एक जगह इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये तो हमको लगता है रिवीजन है आपका, सब कुछ तो आपको दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूं इसको, इसको मैं कुछ करूंगा क्या, चलो एक कर देता हूं, आप बोलेंगे कि सर टच तो कर दीजिए, चलो टच कर देते हैं। पहला क्वेश्चन x माइनस वाई, पहले x को लिखते हैं, क्या है x, a b c d, ठीक है, माइनस y क्या है, तो y है f b d g, ठीक है। चलो तो माइनस करना है, तो हमको क्या करना है, इस सेट को देखना है, इसी को लिखना है, जो इसमें मैच करेगा इससे उसको हटाना है, तो आपका एक b मैच कर रहा है हटा दीजिए, एक d भी मैच कर रहा है हटा दीजिए, तो इस सेट में क्या बच गया, a बच गया और c बच गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आप कर लेना आप, हाँ तरीका आपको पता चल गया है। एक बता देते हैं थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में आपका क्या है, x इंटरसेक्शन y है, तो x क्या है, x है हमारा a b c d और इंटरसेक्शन इसमें क्या है, f b d g, ठीक है, ओके। अच्छा अब आप देखोगे कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है, हम लोग देखेंगे तो एक b कॉमन है दोनों में, दोनों में है, और एक आपका d, ये दोनों में है, ठीक है। तो जो कॉमन इसको निकालते हैं, तो कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा b और d, तो ये आपका आंसर हो गया। तो असल में देखो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन देता है ना, उसके पीछे उसका कुछ पर्पस रहता है, मकसद रहता है, यहाँ पे ये मकसद हो सकता है कि आपको ये बताया जाए कि डिफरेंस में और इंटरसेक्शन में क्या कुछ रिलेशन है, क्या दोनों एक जैसा लग रहा होगा आपको, लगता है ऐसा तो नहीं है, तो एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा आपको, हाँ लेकिन कुछ ना कुछ संबंध है, क्या संबंध है, आप देखते होंगे कि जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट को हटा दिया जाता है पहले सेट से, और जो कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि a माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे, देखो वही तो हो रहा है ना, जैसे मैं अगर बात करूं यहां पे x माइनस वाई का, तो x माइनस वाई को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो आप देखोगे पहले x आएगा,
तो x आएगा तो क्या होगा, तो x में ए बी सी डी है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी सी डी, ठीक है, माइनस फिर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन देखो आपने नीचे में निकाला है, क्या है, बी डी है, बी और डी, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जब हमको माइनस करना है तो हमको तो बस इसी सेट को देखना है, पहला सेट को, ठीक है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट हटेगा, तो जो उधर भी दिख रहा है, जैसे बी दिख रहा है और आपको डी दिख रहा है, ये हटा दीजिएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ए और सी, तो आपको वही आंसर आएगा जो पहले आया था, ठीक है। लेकिन जब भी आप ऐसे लिखेंगे ना, तो इधर चूंकि आप कॉमन एलिमेंट को अलग किए हैं, तो सारा ही एलिमेंट हट जाएगा इधर से, इधर बिल्कुल एलिमेंट आपका बचेगा नहीं, ठीक है। तो आप ये बात समझोगे कि कितना खूबसूरत है सेट में, कि डिफरेंस का, दो सेट के डिफरेंस का रिलेशन है, कि आप उसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ये सब इसलिए आपको समझाया जाता है ना, कि आपको हर तरह का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मान लो आपको कोई बोल दे कि एग्जाम्पल आपको दे दे, ठीक है, कि आप जो है फाइंड कीजिए क्या, ए माइनस बी, ठीक है, जहां ए क्या है, तो जहां ए जो है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी ये जो है आपका क्या है, तो ये आपका सेट ऑफ प्राइम है, सेट ऑफ प्राइम प्राइम, ठीक है, आपको ऐसा दे दे। अब आपको बोले ए माइनस बी निकालने के लिए, तो आप ए माइनस बी निकालोगे तो आप बोलोगे तो बी तो हमको पता ही नहीं है, तो अब बी का जरूरत हर जगह नहीं है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो आप यहां पे ऐसे कर सकते हो ना कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम ये करके देख रहे हैं कि सिर्फ कॉमन ही एलिमेंट तो हटता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे बोल सकते हो कि ये सेट क्या आ जाएगा, तो नेचुरल में से प्राइम को हटा दीजिएगा, ठीक है, नेचुरल में से प्राइम हट जाएगा तो क्या बचेगा, नॉन प्राइम नेचुरल बचेगा, यही इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका अगर हम आंसर निकालें तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन प्राइम नेचुरल नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार तो कंपटीशन में पूछता है, कंपटीशन और क्या है, बहुत भयंकर चीज नहीं है, ब्लास्टिंग नहीं है कुछ कि आप पर बम गिरा देता है, जी नहीं, आप एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, उसी से आपको कुछ ऐसा पूछता है कि आप कुछ नया जानो, ताकि आप अपने देश के लिए, आप इस विश्व के लिए कुछ नया कर सको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो आसान है उसको आसान ही रहने देते हैं, ज्यादा आपको बकरा नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 आ रहा है, अब तो धड़ल्ले से बनेगा सारा क्वेश्चन हम लोगों से। क्या कहता है, बोलता है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्या है जी, सेट ऑफ रियल नंबर है, क्यू क्या है, क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू क्या होगा। तो देखो नंबर थ्योरी में मैंने काफी आपको अच्छे से समझाया है कि जो आर होता है रियल नंबर, वो क्या होता है, वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक आपका रेशनल और एक आपका इरेशनल। मतलब पूरी रियल दुनिया में दो तरह की चीज होती है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, पता है ना। मतलब सारा जो आपका √2 है, √3 है, या 2+√5, ये सारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और जितना भी आपका नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 जितना, ठीक है, जो भी आपका इंटीजर है, ठीक है, उसके अलावा जितना भी फ्रैक्शनल नंबर है, p/q, ये सारा क्या होता है, ये सारा आपका मिला करके रेशनल होता है, ठीक है। तब बोल रहा है कि अगर मैं रियल में रेशनल को माइनस कर दूं, तो रियल में रेशनल को माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंस क्या रियल क्या होता है, ये होता है, देयर फोर आप क्यू को ले जाओ उधर, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ तो मैंने अपने पहले लेक्चर में, ठीक है, इरेशनल नंबर आपको बहुत अच्छा बताया था सारे सेट्स के बारे में, वो भी वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, वो अभी एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में तो नहीं है वो, लेकिन अलग से प्लेलिस्ट में है, एडवांस मैथमेटिक्स 12th 11th वाले में, तो वहां से आप देख सकते हो। आई होप आपको पता होगा, काफी सिंपल चीज है, ठीक है, नहीं पता है तो जान लो, यही छोटा सा चीज होता है। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का सम होता है, मतलब दोनों को मिला करके ये रियल की दुनिया बनती है, तो रियल में से इस रेशनल को हटा दोगे तो सारा इरेशनल बचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। 12 क्या बोलता है जी, देखो 12 नंबर बोलता है हम लोगों को, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोलता है नीचे का जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, यानी उसको वर्णित कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं, पहला नंबर बोलता है ये एक सेट है 2 3 4 5, और दूसरा है 3 6, ये दोनों डिसज्वाइंट सेट है। आप सोचिए क्या ये डिसज्वाइंट है,
तो बिल्कुल सही जवाब, ये डिसज्वाइंट नहीं है। क्यों? इसलिए कि डिसज्वाइंट तब होता जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एक जैसा एलिमेंट दोनों में नहीं रहता, तो ये डिसज्वाइंट होता। बट यहां पे देखो दोनों में दिख रहा है, पूरी दुनिया दिख रही है, तीन और तीन दोनों में नजर आ रहा है, तो ये डिसज्वाइंट कहां से है? तो ये हो गया गलत, आपने गलत स्टेटमेंट डाला है। तो आप लिखोगे क्या, इसका आंसर आप लिख देना यहीं पे कि ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है भैया? इसलिए लिख देना बिकाउज थ्री इज कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, जो दोनों सेट है ना उसमें तीन कॉमन है, और तीन अगर कॉमन है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तीन आ जाएगा, और तीन तो आना नहीं चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, तभी वो डिसज्वाइंट होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा। नंबर टू देखो, नंबर टू क्या है? ए ई आई ओ यू, यानी सेट ऑफ भावेल है। इधर क्या है? ए बी सी डी, क्या ख्याल है, डिसज्वाइंट है? तो बिल्कुल सही जवाब, दोनों डिसज्वाइंट नहीं है, इसलिए कि दोनों में फिर से क्या है, ए कॉमन है। तो वही बात लिखोगे, इसका आंसर भी सेम हो जाएगा, फॉल्स, बिकाउज, अब थ्री के जहां पे ए लिख देना, ए इज कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। ठीक है, दोनों में ए कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों में एकदम 36 का आंकड़ा होना चाहिए भैया, प्रॉपर दुश्मनी, कुछ भी लक्षण ना मिले। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा भी लक्षण मिल जाएगा ना तो वो डिसज्वाइंट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर वो लोग मोहब्बत वाला सेट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए आगे बात कीजिए। फिर क्या है इसमें? है 2, 2, 6, 10, 14, इसमें है 3, 7, 11, 15, ढूंढ के लाए हो मस्त एकदम। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों को, दोनों में एकदम 36 का आंकड़ा है, जो इसमें है वो इसके पास नहीं है, तो ये बिल्कुल डिसज्वाइंट सेट है। इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा ट्रू, ट्रू है ये, सही है। क्यों? ठीक है, सिंस आप ऐसे लिख कर सकते हो कि दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे 2, 6, 10, 14 ऐसे, इंटरसेक्शन 3, 7, 11 और 15। ठीक है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा? तो आप लिख देना 5। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते थे, लिखना आपके ट्रू बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द गिवन सेट्स, ऐसे भी आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक और तरीका बता देता हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि आंसर आपका क्या है, आंसर ट्रू है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द गिवन सेट। ठीक है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है ना, एकदम लड़ाई झगड़ा वाला, तो ऐसा सेट क्या होता है? डिसज्वाइंट सेट होता है। तो ये क्या है? डिसज्वाइंट सेट है, ये ट्रू है। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो। अच्छा, अब देखो इन दोनों को देखो, लास्ट चौथा नंबर को, इसमें क्या, इसमें आपको एक दिया हुआ है 2, 6, 10, इधर दिया हुआ है 3, 7, 11। अब इसमें क्या ख्याल है? ये दोनों भी ना बिल्कुल 36 वाला है, देखो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल सेम आंसर होगा कि ये भी आपका ट्रू होगा, ये भी आपका डिसज्वाइंट सेट है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द गिवन सेट। ठीक है, क्लियर है? ओके, दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। तो देखो एकदम आसान है भाई, जो आसान है सो आसान है, हम ज्यादा, ठीक है, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको आज का लेक्चर में, ये हम लोग का सेकंड पार्ट था, बचा हुआ पार्ट था, जिसमें सिर्फ हमको डिसज्वाइंट पे बात करना था और हमको बात करना था डिफरेंस पे। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया और ये दोनों सेट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कंटेंट में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इसका नोट अच्छे से बनाना, आसान है लेकिन देखो मार्क्स आते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपको इसी तरीके से बनाना है। सो इसको आपको कभी हल्के में नहीं लेना, हल्का है बट ये आपको नंबर दिलाएगा, तो इस पर थोड़ा सा सीरियस रहोगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत करोगे, एनर्जी लगाओगे, डेफिनेटली आप अच्छा गेन कर सकते हो। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए। ठीक है, और कोई भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। और मैं आपको पहले भी बताया है कि मैं 12th का लेक्चर और 11th का लेक्चर सबको बिल्कुल फ्रेश डाल रहा हूं, और जो क्लास 11th है तो क्लास 11th का लेक्चर आपको मिलेगा TTS में। TTS मींस ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे, आपको डेली अपलोड हो रहा है और पूरा एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन वाला भी पोर्शन आपको बताया जाएगा, तो आपका मैथ काफी जिंगल आला हो जाएगा, और मैथ आपका जो जेई वगैरह है, जेई मेन एडवांस, उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जो क्लास 12 है
तो क्लास 12 की वीडियोस आपको MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को डला रहे हैं, तो आपको इसको डेली देखना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, छुट्टी है नहीं है, लेकिन MWF में क्लास 12 का डेली कंटेंट डलाएगा, क्लास 11 का TTS में कंटेंट डलाएगा, आपको कोई भी मिस नहीं करना, पढ़ते रहो, मस्ती करो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।